गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं एक नए लोकेशन से। स्टार्ट के कुछ ग्लिम्सेस देखे होंगे, तो मैं एक्चुअली आज आया हूँ यहाँ पे कुर्ग, जिसको अभी मडिकरी बोलते हैं, कुर्ग आया हूँ। और एक्चुअली कल शाम को आया मैं, बट कल का ट्रैवलिंग बहुत हैवी हो गया था। हम लोग मुंबई से मैंगलोर एक्सप्रेस पकड़ के आए, जो 2 घंटा लेट था। उसके बाद टैक्सी मिलने में और 1 घंटा चला गया, और फिर मैंगलोर से यहाँ पे आते आते 4 घंटा। फिर यहाँ पे आते तो पूरा अंधेरा हो गया था, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। आज सुबह उठ के फ्रेश होके अभी ये व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। एक बहुत सही प्रॉपर्टी पर रुका हूँ, ये है, ये वाले में नहीं, सॉरी, ये वाले में रुके हैं हम। और ये बाकी प्रॉपर्टी से सेम अच्छा लोकेशन है, आप देखेंगे तो एकदम सिटी लाइफ से बाहर है, अच्छा, पहाड़ों के बीच में है, बहुत सही लोकेशन है। थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन प्राइवेसी फैमिली लोगों के लिए अच्छा है। कि 2 बेडरूम हॉल घर है, तो ये एक्चुअली मेन मडिकरी से थोड़ा बाहर है, भगमंडला में, बट थोड़ा बाहर आएंगे तो ही अच्छा है, मेन सिटी में रह के क्राउड मिलेगा। तो जैसे मैंने बोला कि हम लोग कल रात को ही आए थे, बट कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, आज रिकॉर्डिंग चालू कर रहा हूँ। और अभी ब्रेकफास्ट करके बाहर निकलेंगे साइट सीइंग के लिए। यहाँ पे मेरा 4-5 दिन का प्लान है, और मेरे साथ अमोल आया है। तो अभी आगे बढ़ते और आगे रिकॉर्ड करता हूँ। ये इसमें रुका हूँ, यहाँ से एंट्री है, बाहर निकलते टाइम दिखाता हूँ। मस्त लोकेशन, बहुत अच्छा लगा मुझे, और मौसम भी ठंडा है सुबह से, बट आई गेस आफ्टरनून को थोड़ी गर्मी लगेगी। बज रहे सुबह के कुछ 8:30। ठीक है, अभी तो बस दिन शुरू किया है, आज समझो ट्रिप का 2nd डे है, बट टेक्निकली 1st डे है। तो मतलब ट्रिप का आज 2nd डे है, बट टेक्निकली 1st डे है। कल का पूरा दिन तो ट्रैवलिंग ही था, परसों रात को निकला था, 11 बजे की ट्रेन से रात को निकला, अगले दिन मॉर्निंग आफ्टरनून मैंगलोर 3 बजे पहुँचा, और यहाँ पे भगमंडला में शाम को 7:30 बजे। ऑमलेट का एक ऑर्डर किया है मैंने, एक ऑमलेट ऑर्डर किया है। ये एंट्रेंस है। अच्छा, मैंने प्रॉपर्टी का नाम नहीं बताया ना, इसका नाम कैंप निशानी है। ये एंट्रेंस है, यहाँ से इनका रिसेप्शन एरिया, और नीचे जाएंगे यहाँ से तो प्रॉपर्टीज, डाइनिंग एरिया। ये अपना एंट्रेंस है कैंप निशाने का, ये रोड पे ही है। अभी हम लोग 10-15 मिनट पहले निकल गए साइट सीइंग के लिए। यहाँ पे ना 2 मेन स्पॉट है, एक तो एक त्रिवेणी संगम है भगमंडला में, और दूसरा है निशानी मोटे का ना ट्रैक है। अभी निशानी मोटे का ट्रैक करने के लिए ना एटलीस्ट 4-5 घंटा चाहिए, और अभी मेरे साथ अमोल और अमोल की फैमिली भी है। तो अभी थोड़ा सोच रहे हैं कि ट्रैक करना है कि बेस कैंप घूम के आ जाए, बट वो ट्रैक अच्छा है इधर, मतलब भगमंडला का टॉप मोस्ट अट्रैक्शन वो ट्रैक ही है, जो टॉप व्यू से बहुत अच्छा दिखता है निशानी मोटे का पीक। तो देखते हैं, अभी त्रिवेणी संगम जा रहे हैं, त्रिवेणी संगम के बाद जाने वाले हैं वो निशानी मोटे के कैंप पे, जो तलाकावरी में है। अगर वहाँ तक जाते हैं, देखते टाइम रहा तो फिर एटलीस्ट हाफ ट्रैक तो करने का ट्राई करेंगे। अभी आ गए इधर एक टेम्पल में, जो त्रिवेणी संगम का टेम्पल है, दिखा दो। तो
तालाकावरी का बोर्ड भी मारा है इधर, तालाकावरी 8 किलोमीटर। ये भगम भगमदेश्वरा टेम्पल, अच्छा जगह है। ये त्रिवेणी संगम है जो भगमदेश्वरा टेम्पल के एग्जैक्ट अपोजिट है। लिखा है ना इंग्लिश में? नहीं, रिमूव है। इसको सॉक्स भी निकालना पड़ेगा। अच्छा मैं नहीं पहनता। नहीं वाइट सॉक्स है ना इसके लिए। क्या बोल रहे हैं? ये फोटोग्राफी नॉट अलाउड है, वीडियोग्राफी। आता रहेगा। तो मतलब बहुत बेसिक सा जगह है, शायद 3 या 2 नदियों का संगम है, कॉन्फ्लुएंस, तो वही छोटा सा स्पॉट है। और आई गेस पब्लिक इसमें नहाती भी है, डोंट नो। तो अभी आगे यहाँ का मेन पॉइंट वो निशान में मोटे पीक है जो थोड़ा जो किसी को वन डे ट्रैक करना है तो अच्छा है वैसा। ये है संगम, उधर से एक नदी आ रहा है, इधर से एक आ रहा है, और ये साइड एक। और जो टेंपल था भगमदेश्वरा टेंपल वो तो बंद है, शाम को ओपन होता है, उधर इवनिंग में जाएंगे।